नमस्कार, वक्त हो गया है न्यूज 100 का। मैं हूं आपके साथ अदिति अवस्थी। शुरुआत करते हैं खबरों के सिलसिले की बिना ब्रेक के। तीन तलाक के मामले में बैकफुट पर आया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, सुप्रीम कोर्ट में दिया नया हलफनामा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में दिए अपने नए हलफनामे में कहा, निकाहनामे में नहीं होगा तीन तलाक का जिक्र, इमामों को भी समझाएंगे, जारी करेंगे एडवाइजरी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तीन तलाक के खिलाफ लोगों को बनाएगा जागरूक, कहा वेबसाइट, पब्लिशर्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए तीन तलाक पर रोक के लिए करेंगे काम। बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में 13 पन्नों का हलफनामा दायर किया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा, निकाह कराने वाला शख्स निकाहनामे में ये शर्त डालने का सुझाव देगा कि पति एक बार में तीन तलाक नहीं दे। सुप्रीम कोर्ट को दिए अपने नए हलफनामे में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा, शरीयत और निकाहनामे में तीन तलाक गलत प्रथा, ऐसा किसी नियम की इजाजत नहीं दिए जाने चाहिए। कोयला घोटाले में 5 दोषियों की सजा का ऐलान, पूर्व कोयला सचिव HC गुप्ता को 2 साल की सजा और 1,00,000 रुपए का जुर्माना। गलत तरीके से ब्लॉक हासिल करने वाली कंपनी कमल स्पॉन्ज पर 1 करोड़ का जुर्माना, पवन अहलूवालिया को 3 साल जेल की सजा। पूर्व जॉइंट सेक्रेटरी KS क्रोफा और पूर्व निदेशक KC समारिया को भी 2 साल की सजा, 1,00,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान POK का एंथम बजाया गया, आतंकियों के पोस्टर भी लगाए गए। पुलवामा स्पोर्ट्स स्टेडियम में कल शाइनिंग स्टार पंपोर और पुलवामा टाइगर्स के बीच क्रिकेट मैच खेला गया था, इसी दौरान भारत विरोधी नारेबाजी हुई। क्रिकेट मैच के दौरान POK का एंथम बजाने पर शिकायत दर्ज, पूछताछ के लिए आयोजकों को बुलाया गया। जम्मू कश्मीर के लोगों ने क्रिकेट मैच के दौरान POK का एंथम बजाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। CRPF के IG ने भी दोषियों को न बख्शने का भरोसा दिलाया। कश्मीर के बिगड़े हालात पर कांग्रेस अपने राजनीतिक रोटियां सेकने में जुटी है। कश्मीर पर सभी विपक्षी दलों से बैठक की तैयारी, मोदी सरकार पर कश्मीर मोर्चे पर नाकाम रहने का आरोप लगाया। कश्मीर में आतंकी हमले और हवाला फंडिंग को लेकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने की अहम बैठक, अजीत डोभाल और खुफिया एजेंसियों के अधिकारी भी रहे मौजूद। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सर्च ऑपरेशन के दौरान भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद, 2 पिस्टल, 40 राउंड गोलियां, पावर बैंक और दूरबीन भी मिले। हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हुआ जम्मू कश्मीर पुलिस का कांस्टेबल, हिजबुल ने किया दावा, राइफल और गोला बारूद लेकर हुआ था फरार। गुजरात के 2 दिन के दौरे पर PM मोदी, कच्छ के कांडला में कई प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की। कांडला पोर्ट पर PM मोदी ने जनसभा को किया संबोधित, कहा दुनिया के बेहतरीन पोर्ट्स में शामिल है कांडला। गुजरात के कांडला में PM मोदी का रोड शो, सड़क पर लोग PM मोदी को देखने के लिए उमड़ पड़े। NDA सरकार के 3 साल पर देश भर में मोदी फेस्टिवल, करीब 450 नेता जनता को बताएंगे सरकार की योजनाएं, गुवाहाटी से शुरू होगा PM मोदी का कार्यक्रम। अपने वकील जेठमलानी की टिप्पणी पर केजरीवाल को जुर्माना देना पड़ेगा, जेटली ने ठोका है 10 करोड़ का दूसरा मानहानि का केस। उत्तर प्रदेश में मायावती और अखिलेश सरकार पर चड्ढा ग्रुप की कंपनी वेव डिस्टिलरीज को फायदा पहुंचाने का आरोप, आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में हुई मामले की सुनवाई। नियमों के खिलाफ चड्ढा ग्रुप को गलत तरीके से शराब बेचने का लाइसेंस देने का आरोप, याचिकाकर्ता ने पूरे मामले की CBI जांच की मांग की है। अरविंद केजरीवाल के समर्थन में आए BJP सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ट्वीट कर कहा, केजरीवाल जुझारू और वादे के पक्के नेता है, बंद होनी चाहिए नेगेटिव पॉलिटिक्स। BJP नेता सुशील मोदी का शत्रुघ्न सिन्हा पर ट्वीट, कहा यह जरूरी नहीं मशहूर शख्स पर एतबार किया जाए, जितनी जल्दी हो गद्दारों को बाहर किया जाए। सुशील मोदी ने लिखा, जिस लालू के बचाव में नीतीश नहीं उतरे उसके बचाव में BJP के शत्रु कूद पड़े, शत्रुघ्न ने लालू यादव पर लगे आरोपों को गलत बताया था। BJP अध्यक्ष अमित शाह 3 दिन के तेलंगाना दौरे पर, BJP कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुए हिमाचल प्रदेश के CM वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी, 29 मई को अगली सुनवाई होगी। एयरसेल मैक्सिस केस में पूर्व टेलीकॉम मंत्री दयानिधि मारन और कलानिधि मारन के खिलाफ याचिका दायर, CBI ने केस दर्ज किया। ऑस्ट्रेलिया में फिर एक भारतीय नस्लीय हमले का शिकार हुआ, सैंडी बे में कैब ड्राइवर पर हमला, जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती। तेजस एक्सप्रेस को मुंबई से गोवा के लिए रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने किया रवाना, मेट्रो जैसे दरवाजे, शताब्दी से 20% ज्यादा किराया। BJP सांसद परेश रावल का विवादित ट्वीट, पत्थरबाजों को नहीं अरुंधति रॉय को आर्मी जीप से बांधो। BS येदुरप्पा के खिलाफ कांग्रेस ने की शिकायत, कहा येदुरप्पा के व्यवहार से दलित समुदाय में गलत संदेश जा सकता है। येदुरप्पा के मेजबान मधु कुमार ने सफाई दी, कहा मैंने अपनी मर्जी से होटल से खाना मंगवाया, मामले को तूल देने की जरूरत नहीं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और BJP नेता BS येदुरप्पा पर छुआछूत का आरोप, दलित के घर बैठकर होटल से लाया नाश्ता किया गया। कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर ने येदुरप्पा पर बोला हमला, कहा समाज में जा रहा है गलत संदेश। BJP ने येदुरप्पा पर लगे आरोपों पर दी सफाई, पार्टी नेता S. प्रकाश ने कहा मनगढ़ंत है ये आरोप।
चेन्नई में फिल्म स्टार रजनीकांत के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई। टीएमपी नाम के समूह ने कहा कन्नड़ों को तमिलनाडु पर राज नहीं करने दिया जाएगा। नाराज तमिल कार्यकर्ताओं ने फूंका रजनीकांत का पुतला। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। कोलकाता में पश्चिम बंगाल सचिवालय के बाहर वामपंथी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पुलिस ने किया लाठीचार्ज, छोड़े आंसू गैस के गोले। कर्नाटक काडर के आईएएस अनुराग तिवारी के घर वालों ने की यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात। अनुराग की हुई थी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, एसआईटी करेगी जांच। अखिलेश सरकार की एक और योजना को योगी सरकार देगी झटका। तमाम योजनाओं में मिलने वाले अल्पसंख्यक कोटे को खत्म करने की तैयारी। कैबिनेट में लाया जाएगा प्रस्ताव। यूपी के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मोहसिन रजा का बयान, किसी भी कोटे से अल्पसंख्यकों का भला होना चाहिए, गलत नीतियों को खत्म करेंगे। लखनऊ में पुलिस प्रशासन का अनोखा अभियान, नो फ्यूल नो हेलमेट, लोगों ने भी इसका स्वागत किया। यूपी में मायावती और अखिलेश सरकार के दौर में शराब बिक्री का लाइसेंस गलत तरीके से चड्ढा ग्रुप को देने का आरोप। याचिकाकर्ता ने सीबीआई जांच की मांग की। अलीगढ़ में 250 दलित परिवारों ने दी हिंदू धर्म छोड़ने की धमकी। दबंगों से विवाद के बाद कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। पीएम के मन की बात की तर्ज पर झारखंड के सीएम करेंगे सीएम की बात। रांची दूरदर्शन और आकाशवाणी से बातचीत का प्लान तैयार। देहरादून में कई पेट्रोल पंप पर एक साथ छापे मारे गए। नोजल में खामी के बाद एक पंप को सील किया गया। मध्य प्रदेश में अवैध खनन पर सख्त सरकार। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मशीनों से रेत खनन पर पूरी तरह से रोक लगाई। बिहार के गया में एक युवक की गिरफ्तारी के बाद लोगों का हंगामा। सड़क पर की गई तोड़फोड़, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। बिहार के शेखपुरा में चुनावी रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने लाठियां छटकाई। बिहार के नालंदा में निकाय चुनाव के प्रत्याशियों ने किया एक दूसरे पर हमला। एक प्रत्याशी समेत 14 लोग हुए जख्मी, दोनों ओर से केस दर्ज। बिहार के मनिहारी नगर पालिका चुनाव के दौरान दो कंटेस्टेंट्स के समर्थकों के बीच मारपीट। पार्षद उत्तम यादव की गिरफ्तारी का विरोध, थाने का किया गया घेराव। छत्तीसगढ़ के कांकेर में 5 किलो वजन का टिफिन बम बरामद। जवानों को नुकसान पहुंचाने के मकसद से नक्सलियों ने किया था इसे फिट। राजस्थान के अलवर जिले में दो पक्षों के बीच टकराव, आधा दर्जन लोग हुए घायल। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शांत किया। बिहार के हाजीपुर में दबंगों ने दूल्हा समेत बारातियों को पीटा। चौखट पर सिर नहीं झुकाने की दी सजा, मुश्किल से हुई शादी। मध्य प्रदेश के मुरैना में जहरीली शराब पीने से एक ही गांव के 4 लोगों की मौत। अवैध शराब के कारोबारियों की तलाश जारी। कानपुर के मकान में लगी आग से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। शॉर्ट सर्किट के बाद लोगों का घुटा दम। घर में ही बनाया था साड़ी का गोदाम। यूपी के गाजीपुर में पेट्रोल पंप पर लगी आग का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। एक बाइक जलकर खाक हुई, भागकर लोगों ने बचाई जान। यूपी के औरैया में उद्घाटन के चंद घंटे पहले तालाब में आई लंबी दरार, पिछली अखिलेश सरकार में हुआ था निर्माण। राजस्थान के अलवर में थाने में महिलाओं की बेरहमी से पिटाई की गई। स्थानीय नेता से चल रहा था जमीन का विवाद, अफसरों ने मामले पर साधी चुप्पी। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में बम्लेश्वरी मंदिर परिसर की दुकानों में आग लगी, एक महिला की इसमें मौत हुई। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से 15 करोड़ रुपए का सोना जब्त, डीआरआई ने की कार्रवाई। गोल्ड पर मिला विदेशी मार्क। बिहार के रोहतास में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है। पिकअप वैन से 25,000 डेटोनेटर मिले, कोई गिरफ्तार नहीं। गुरुग्राम में गिफ्ट देने के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 11 लाख रुपए की ठगी पकड़ी गई, 2 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के नरेला इलाके में लिफ्ट में फंसकर एक मजदूर की मौत, नाराज लोगों ने किया हंगामा। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। राजस्थान के कोटा में चोरों का गैंग पकड़ा गया, 3 लोगों के साथ लाखों का सामान जब्त। 12 चोरियों में शामिल होने की बात आई सामने। राजस्थान के डूंगरपुर में अवैध शराब से भरे ट्रक को पुलिस ने किया जब्त, एक व्यक्ति गिरफ्तार, एक हुआ फरार। झारखंड के जसीडीह में कुएं से पानी निकालने के लिए जोखिम में जान डाल रहे हैं पुलिस वाले। 25 फीट गहरे कुएं में हर रोज उतरने को मजबूर है। जीएसटी से महंगी नहीं होगी मोबाइल सेवाएं। इनपुट क्रेडिट घटाने के बाद ही कॉल दरें तय करेंगी टेलीकॉम कंपनीज। रियल एस्टेट रेगुलेटर के बाद प्रॉपर्टी डीलर्स पर बढ़ेगी सख्ती। डीलर्स को देनी होगी 3 साल के इनकम टैक्स रिटर्न की जानकारी, क्रिमिनल केस और 5 साल के बिजनेस की डिटेल्स भी देनी होगी। दवाओं और स्टेट के बाद अब अस्पतालों की बारी। ओवरचार्जिंग करने वाले अस्पतालों की सरकार ने मांगी जानकारी। सरकारी इंश्योरेंस कंपनियों को रिपोर्ट देने के आदेश दिए। डीएलएफ को वापस करना होगा 13 खरीदारों का 23 लाख रुपए। स्टेट कमीशन चंडीगढ़ ने दिया आदेश। 3 साल की देरी के बावजूद नहीं मिले फ्लैट। पंचकुला के द वैली प्रोजेक्ट का मामला है।
ओएनजीसी और ऑयल इंडिया नहीं झेलेगी सब्सिडी का बोझ। सरकारी सूत्रों के मुताबिक केरोसिन की सब्सिडी से मिल सकती है राहत। फिलहाल केरोसिन पर सालाना सब्सिडी करीब 7,000 करोड़ रुपए। प्रतिबंध की धमकियों के बावजूद नॉर्थ कोरिया ने किया नए मिसाइल का परीक्षण। दावा किया परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम है मिसाइल। अमेरिका को निशाना बनाने की भी क्षमता। नॉर्थ कोरिया के नए मिसाइल परीक्षण पर जापान ने दिखाया कड़ा रुख। कहा नॉर्थ कोरिया की न्यूक्लियर और मिसाइल से जुड़ी ख्वाहिशों पर लगाम कसने के लिए लगाएंगे अपने प्रतिबंध। वाइड बॉडी एयरलाइन का मिलकर रिसर्च और डेवलपमेंट करेंगे चाइना और रशिया। जल्द ही शंघाई में शुरू होगा काम। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के एक अस्पताल में धमाका। 24 लोग हुए घायल। अब तक किसी ने भी नहीं ली धमाके की जिम्मेदारी। चाइना में भीषण बाढ़ से बिगड़े हालात। भारी बारिश की आशंका को देखते हुए जारी किया गया ब्लू अलर्ट। वेनेजुएला में विरोध प्रदर्शन कर रही विपक्षी पार्टियों पर भड़के राष्ट्रपति। प्रदर्शनकारियों पर लगाया एक शख्स को जलाने का आरोप। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे राष्ट्रपति को हटाकर चुनाव कराने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हजारों लोग। राष्ट्रपति टिमन ने पद छोड़ने से किया इनकार। आरोपों की जांच जारी। एक युवक पर चाकू से हमले के आरोप में मेक्सिको के कैंकून में एक रशियन सिटीजन पर भीड़ ने किया हमला। पुलिस ने रशियन नागरिक को बचाया। 146 साल बाद थम गया ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ का सिलसिला। न्यूयॉर्क में रिंगलिंग ब्रदर्स एंड बॉनम एंड बेली सर्कस ने बोनो जानवरों और एक्रोबैट्स के परफॉर्मेंस के साथ ली विदाई। फ्रेंच रिवेरा हाईलाइन मीटिंग में जर्मन हाईलाइनर ने तोड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड। करीब 2000 फीट पर क्रॉस की लाइन। आईपीएल 10 में कई युवा खिलाड़ियों के प्रदर्शन के कायल हुए सचिन तेंदुलकर। सचिन को पुणे के बल्लेबाज राहुल त्रिपाठी के आक्रामक अंदाज में दिखती है सहवाग की झलक। ऋषभ पंत को देखकर आई युवराज की याद। मुंबई इंडियंस को 3 बार आईपीएल खिताब जिताने वाले कप्तान रोहित शर्मा ने फाइनल में जीत का सहरा गेंदबाजों के सिर बांधा। बोले इससे ज्यादा की उम्मीद नहीं कर सकता था। फिटनेस टेस्ट में फेल होने के बाद पाकिस्तानी बल्लेबाज उमर अकमल आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी से बाहर हुए। 2 महीने के भीतर दूसरी बार फिटनेस टेस्ट में फेल हुए। फ्रेंच ओपन के लिए पूर्व स्टार टेनिस खिलाड़ी आंद्रे अगासी होंगे नोवाक जोकोविच के कोच। जोकोविच ने कहा अभी लंबे करार के लिए नहीं हुई है बात। बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु की शानदार जीत के बावजूद सुधीर रमन कप मिक्स टीम चैंपियनशिप में डेनमार्क ने भारत को 4-1 से हराया। बुधवार को भारत का मुकाबला पूर्व चैंपियन इंडोनेशिया से होगा। रांची पहुंची अभिनेत्री कोंकणा सेन शर्मा और डेथ इन द जंग के साथ निर्देशन की शुरुआत की है। 2 जून को रिलीज होगी फिल्म। सिल्वर स्क्रीन पर माफिया क्वीन के रोल में नजर आएंगी दीपिका पादुकोण। विशाल भारद्वाज के साथ पहली बार काम करने को बताया बड़ा चैलेंज। कान फिल्म फेस्टिवल में रेड कार्पेट पर नजर आया सोनम कपूर का बेहतरीन अंदाज। ब्लश कलर के एलिसाफ गाउन में जज रही थी सोनम। मुंबई में फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड की सक्सेस पार्टी की गई। श्रद्धा अर्जुन मोहित एकता समेत सभी स्टार्स नजर आए। फिल्म ट्यूबलाइट के गाने की लॉन्चिंग के वक्त सलमान का दर्द आया सबके सामने। बोले फेशियल नर्व डिसऑर्डर बीमारी ने मेरी जिंदगी ही बदल दी। फिल्म टग्स ऑफ हिंदुस्तान से जुड़ी अफवाह को आमिर खान ने खारिज किया। कहा जॉनी डेप की हॉलीवुड फिल्म पायरेट्स ऑफ कैरेबियन से प्रेरित नहीं है मेरी फिल्म। अपनी होम प्रोडक्शन फिल्म तेजू में दिखेगा कंगना रनौत का अलग अंदाज। 80 साल की बुजुर्ग महिला का किरदार निभाएंगी। फिल्म का डायरेक्शन भी खुद करेंगी कंगना। ट्रिपल तलाक को खत्म करने के पक्ष में है एक्ट्रेस शबाना आजमी। कहा अमानवीय है ट्रिपल तलाक, इसे खत्म किया जाना चाहिए। डायरेक्टर अनुराग कश्यप की फिल्म गुलाब जामुन में नजर आ सकती है अभिषेक ऐश्वर्या की जोड़ी। अनुराग ने फिल्म के लिए दोनों को अप्रोच किया। एक ब्रांच के प्रमोशन के दौरान दिखा रणवीर सिंह का अलग अंदाज। फैंस से की मुलाकात, फैंस के साथ ऑटो राइड भी की। शिल्पा शेट्टी ने धूमधाम से बनाया अपने बेटे का बर्थडे। पार्टी में कई सेलेब्स मौजूद थे।